हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो क्या हाल है यार। तो दोस्तों पहली न्यूज़ यार एमी वे बंटाई की तरफ से आ रही है। तो दोस्तों एमी वे बंटाई का एक सॉन्ग है यार फ्रीवर्स फीस्ट दावत। तो दोस्तों वो MTV EMA जो कि यार यूरोप म्यूजिक अवार्ड्स है, उसमें यार एक कैटेगरी है बेस्ट इंडिया एक्ट। तो यार उसमें 5 आर्टिस्ट के सॉन्ग सिलेक्ट हुए हैं जहाँ तक मुझे पता चला है। तो यार उसमें 2 हिप हॉप आर्टिस्ट है, राजा कुमारी और एमी वे बंटाई। और राजा कुमारी का है शूक और एमी वे बंटाई का यार फ्रीवर्स फीस्ट। तो अगर आप लोग चाहते हो कि एमी वे बंटाई ये अवार्ड जीते तो नीचे एक लिंक मिलेगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पे जाके यार आप लोग वोट कर सकते हो किसी भी आर्टिस्ट को जिसको आप लोग चाहते हो, और वो आर्टिस्ट ये कैटेगरी में जीत जाएगा। तो जल्दी से जाके यार वोट कर दो अपने फेवरेट आर्टिस्ट को, और चाहते हो तो एमीवे को भी कर सकते हो। तो अगली न्यूज यार एमीवे से रिलेटेड ही है। तो दोस्तों एमीवे ने अपने इंस्टाग्राम पे कॉन्टेस्ट रखा था यार, बजो कॉन्टेस्ट, जो कि यार उनका सॉन्ग आया था बजो उससे रिलेटेड था। तो उन्हीं को वो कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए यार वीडियो बनाए थे। तो उस वीडियो के कैप्शन में लिखा था यार, लकी विनर्स को सरप्राइज मिल गया और आप सबके लिए भी एक सरप्राइज है, तैयार है कि नहीं पब्लिक। तो शायद ये डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, एमीवे का न्यू सॉन्ग भी हो सकता है। तो जब भी आएगा मैं आप लोग को बता दूंगा, पर मैंने आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया कि कुछ सरप्राइज आने वाला है एमीवे की तरफ से। तो रेडी रहो यार, कुछ धमाका होने वाला है जल्दी। तो अगली न्यूज़ यार डिवाइन की तरफ से आ रही है। तो दोस्तों डिवाइन की जो एल्बम आने वाली है यार कोहिनूर, तो उसकी यार ट्रैक लिस्ट आउट हो चुकी है। तो उस एल्बम में टोटल 8 सॉन्ग्स हैं, मैं आप लोग को गानों के नाम बता देता हूँ। तो पहला गाना जो उसका नाम है कोहिनूर, दूसरा वल्ला, तीसरा गांधी मनी, चौथा नास इंटरल्यूड, फिफ्थ वाइब है, सिक्स्थ चल बॉम्बे, सेवन्थ रिमांड, एट्थ टू हाइप। तो ये बहुत जल्दी एल्बम आउट होने वाली है, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा जब भी एल्बम आउट होगी। और इस एल्बम में एक खास सॉन्ग है, और सॉन्ग बोले तो डिस्ट्रैक्ट है यार एमीवे के अगेंस्ट में। और ये डिस्ट्रैक्ट बहुत पहले आने वाला था पर कुछ रीजंस के कारण नहीं आ पाया। तो डिस्ट्रैक्ट का जो नेम है वो है रिमांड। तो बहुत पहले बोल दिया था डिवाइन ने कि गाना आने वाला है पर नहीं आया, और उसके बाद से उन्होंने बता दिया था कि ये एल्बम में होने वाला सॉन्ग रिप्लाई देने वाला है डिवाइन एमीवे को, जो कि उन्होंने 1 साल पहले डिस करा था एमीवे ने डिवाइन को। तो उसका रिप्लाई अभी आएगा, तो अभी बहुत कुछ मसाला होने वाला है यार, देखते क्या होता है। तो अगली न्यूज़ यार एक एल्बम की तरफ से आ रही है। तो एक एल्बम आउट हुई यार, हिप हॉप एल्बम, और बहुत अच्छी एल्बम है यार, 7 गाने हैं इस एल्बम में, और आप लोग जाके सुन सकते हो इस एल्बम को, मुझे पसंद आई है। और आर्टिस्ट का नेम तो बताने ही भूल गया मैं, आर्टिस्ट का नेम है यार नक्षत्र और एड्रो। तो दोनों की मिला के ये एल्बम है, एड्रो का शायद म्यूज़िक है और नक्षत्र की मतलब पूरी वॉइस है, वोकल्स और लिरिक्स। तो मैं तो चाहता हूँ कि एक एक गाने के बारे में मैं डिस्कस करूँ आपसे कि कैसा कौन सा गाना है, पर आप लोगों ने शायद इस एल्बम का नाम भी नहीं सुना है और इंटरेस्ट भी आप शायद ना लो। तो मैं ओवरऑल ही बता देता हूँ कि कैसी है एल्बम। तो एल्बम जो है यार बहुत अच्छी है, 7 गाने इस एल्बम में, कुछ कुछ गाने जो एक बार ही आप सुन सकते हो, उससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं जमेंगे। बस लिरिक्स के लिए आप सुनोगे तो आपको पसंद आ सकते हैं, लिरिक्स भी बहुत अच्छे हैं मैं बोल सकता हूँ, पर कुछ कुछ जगह पर वो राइम नहीं कर रहे हैं, शायद उस आर्टिस्ट का फ्लो ही ऐसा है, इसलिए भी हो सकता है, क्योंकि कुछ कुछ आर्टिस्ट के फ्लो ही ऐसे होते हैं जो कि यार राइम नहीं करते पर वो बहुत अच्छा मीनिंगफुल होता है रैप, तो वैसे ही कुछ फ्लो है। तो 2-3 गाने जो मैं आप लोग को बता देता हूँ जो आप लूप पे सुन सकते हो, पहला जो इसका नाम है ज़िंदगी, दूसरा है सन की, और तीसरा जो है टाइटल ट्रैक है सनसनी, ये आप सुन सकते हो यार, और सपोर्ट करो यार इस आर्टिस्ट को, बहुत अच्छा लिखा है यार, और मुझे पर्सनली ये काम बहुत पसंद आया। तो अगली न्यूज़ यार गानों की तरफ से आ रही है। तो पहला गाना जो उसका नाम है छलांग बाय हर्टकोर्ट संग सैबी संग वक्श संग हुजूर, और प्रोड्यूस किया 9ace ने, तो जाके सुन सकते हो, यूनिक सॉन्ग है, फ्लो यूनिक है, म्यूज़िक यूनिक है और पूरा गाना ही यूनिक है, तो जाके सुनो यार, ज़रूर पसंद आएगा आप लोग को ये गाना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगला गाना जो उसका नाम है ना साथ छोड़ती बाय यंग म्यूज़िक के, तो ये गाना भी अच्छा है यार, हमारे एक सब्सक्राइबर का ही सॉन्ग है और गाना मुझे पसंद आया, म्यूज़िक अच्छा है, शायद इन्होंने फ्री बीट उठाई है तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता यार, अच्छा काम करा है, पर लिरिक्स मुझे थोड़े से वीक लगे यार, और मुझे लगा कि इन्होंने बस म्यूज़िक के ऊपर बिठाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यार मुझे ये प्री रिटर्न से ज़्यादा फ्री स्टाइल रैप लग रहा था, और बिठाया अच्छा यार आपने। तो बस दोस्तों आज के लिए इतनी न्यूज़ थी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट ज़रूर कर देना, और आपके कोई सा रैप सॉन्ग्स है तो नीचे कमेंट में बता दो, और यार रीसेंट सॉन्ग्स बताओ यार, बहुत पुराने पुराने मत बताओ, 4-5 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते पुराने गाने मैं लूँगा, उससे पुराने गाने नहीं लूँगा। तो अभी रीसेंट सॉन्ग्स बताओ यार, पहले के गाने मैं नहीं प्रमोट करूँगा। तो यही कहना था, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको भी प्रेस कर देना, पड़ोस में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। तो मिलता हूँ अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।